वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है। अलीगढ़ धर्म समाज डिग्री कॉलेज में छात्रों ने हिजाब के विरोध में भगवा चोला ओढ़कर कैंपस में विरोध जताया था और उसके बाद एक ज्ञापन देकर कॉलेज कैंपस में बुर्का बैन की मांग की थी, जिसके बाद अलीगढ़ में भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली थी। आनन फानन में कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में बुर्का गमछा बैन करते हुए ड्रेस कोड लागू करने के नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इसके बाद छात्र भी इस नोटिस को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म समाज महाविद्यालय के छात्र मोहित चौधरी ने बताया कि उन्होंने यहां से LLB की है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व में प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर वे अवगत करा चुके हैं कि यहां पर हिजाब टोपी और बुर्का को प्रतिबंध किया जाना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद संज्ञान में आया है कि कॉलेज प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा किया है और उसका विरोध हमने 2 दिन पहले भगवा पहनकर पठन पाठन किया था, अभी नोटिस चस्पा कर दिया है। कॉलेज प्रशासन से हम मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस नियम को फॉलो कराएं। ऐसा ना होने पर हिंदू छात्र भगवा ओढ़कर दोबारा कॉलेज आएंगे। वहीं धर्म समाज कॉलेज की छात्रा अदीबा आरिफ ने बताया कि वो BSc फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में हिजाब पहन लिया तो क्या हुआ, ड्रेस कोड के लिए कॉलेज के बाहर नोटिस चस्पा होने पर उन्होंने कहा कि अब बैन कर दिया है तो पहनना नहीं है। DS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने बताया कि जो विद्यार्थी कॉलेज में चेहरा ढक कर आ रहे हैं, हम उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो छात्र कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं वो चेहरा खोल कर आए। उन्होंने कहा, हमने चीफ से मिलकर एक योजना बनाई है और कॉलेज के बाहर नोटिस चस्पा किया है। इसमें अंकित किया गया है कि जो भी विद्यार्थी कॉलेज परिसर में आते हैं वो ड्रेस कोड में ही आएंगे। प्रचार्य ने हिजाब मामले पर कहा कि कॉलेज कैंपस में बच्चों से कहा गया है कि आप ना तो हिजाब पहन कर आए और ना ही भगवा गमछा डाल कर आए। वहीं कर्नाटक के अल्पसंख्यक स्कूलों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश अल्पसंख्यक लड़कियों को लेकर स्कूलों और कॉलेज में बढ़ते तनाव के बीच आया है। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुर्का और हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। इस बीच शिवमोग्गा जिला प्राधिकरण द्वारा जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ CRPC की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी हां, मुस्लिम लड़कियों को कैंपस में बुर्का नहीं रखने देने के लिए उन्होंने जिला मुख्यालय कस्बे में PU कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। राज्य के बम्बई सरकार ने गुरुवार को इसको लेकर आदेश जारी किया है। राज्य के मौलाना आज़ाद मॉडल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया है। जी हाँ, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवनन पी ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। विभाग ने अपने आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का जिक्र किया है, जिसमें छात्र छात्राओं को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनने से रोक दिया गया है। जी हाँ, हाईकोर्ट का उपरोक्त आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आवासीय स्कूलों, महाविद्यालयों, मौलाना आजाद आदर्श अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर भी लागू है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।